अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हर घर की परेशानी को दूर फरमाए। आज मैं आपको जो है वो राउंड में स्लीव्स के अंदर जो है वो इलास्टिक डालने का तरीका, जो इलास्टिक डलता है उसकी स्लीव्स की कटिंग बताऊँगी। ये बेबी का स्लीव्स है, ये हमने यू फोल्ड करके जो है वो 11.5 इंच रखा है, ठीक है। ये लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम तकरीबन 1.5 इंच यहाँ से रिब कटिंग करेंगे। ये दोनों स्लीव्स इकट्ठे कटिंग कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपने इसको राउंड में काटना है। ये अब हमने इसको जो है वो इस तरीके से कटिंग कर लेना है, ठीक है। फिर इसमें जैसे हम बारीक वाला इलास्टिक है वो नेफा बनाते हैं, उस तरीके से हमने इसको सी लेना है। हल्की हल्की हम यहाँ चुलट आएगी, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। ये देखें इस तरीके से ये स्लीव्स इस तरीके से होगा। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में जैकेट वाली फ्रॉक के साथ जो है वो इसका स्लीव्स दिखा चुकी हूँ, तो उसकी कटिंग जो है ये मैं इस तरीके से आपने मोड़ते जाना है और वो बारीक इलास्टिक जो है वो इसमें सी देना है, ठीक है। वो सीने के बाद हल्की हल्की जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं, बस ऐसे ब्राई नाम चुनट जो है वो इस फ्रंट पे आएगी। ये हमारी स्लीव्स जो है वो कट के तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।